और मुजफ्फरपुर जिले के सिवाईपट्टी थाना अंतर्गत पैगंबरपुर गांव के फुदेनी दास के पुत्र और अकेंद्र दास की पुत्री के बीच पुलिस द्वारा जबरन शादी कराने के लिए दबाव बनाने का मामला अब मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। मामले को लेकर पूनम देवी ने आज जिला अधिकारी को भी आवेदन दिया है। साथ ही साथ उन्होंने अपने अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दो अलग अलग आवेदन दिए हैं। तो पूनम देवी ने बताया कि सिवाई पट्टी थाना के थाना अध्यक्ष एवं पुलिस अधिकारी थाना में बुलाकर हम लोगों को काफी बेरहमी से मारे पीटे हैं और जबरन भाई बहन के बीच शादी करवाने का दबाव भी बना रहे हैं। देखिए मामला यह है कि पूनम देवी हैं ग्राम पैगंबरपुर थाना सिवाई पट्टी जिला मुजफ्फरपुर के रहने वाले। रक्षाबंधन के दिन इनका देवर का जो है सो लड़की है, वह लड़की इनके लड़का को राखी बांधने के लिए आया तो अब लड़की कही इनके लड़का को कि हम तुमको राखी बांध दिए हैं, तुम हमारे माथा में सिंदूर रख दो। ये बात की जानकारी गार्जियन को हुआ, गार्जियन सब इसका विरोध किया कि भाई भाई बहन में कैसे शादी होता है। उसके बाद में लड़की जो है सो चली गई थाना पर। थाना पर लड़की ने दबाव उबाव वगैरह बनाया, थाना वाला भी इन लोगों को बुलाया और कहा कि भाई बहन है तो क्या है, दोनों को शादी करा दो। उसके बाद में इनके साथ मारपीट किया गया। फिर दिक्कत है ऐसे अकिंदर दास हमारा देवर लगेगा, एक ससुर के वो लड़का है, एक ससुर के हम पुतो है। तो उसको लड़की हमको बेटा के राखी बांधने गए, राखी बांध दे दिए हमको बेटा के हाथ में। तो वो लड़की बोला से हमको आप सिंदूर धा दीजिए, हमको सिंदूर धा दीजिए, आप हमको बहुत पसंद है। तो हम बोले से ना भाई बहन में शादी ब्याह नहीं होगा। तो लड़की बोला से नहीं, अब भाई बहन नहीं धराता है, शादी होता है। हम लोग बोला से हम मुस्लिम नहीं है, हम हिंदू हैं, भाई बहन में शादी नहीं होगा। मामला है क्या हुआ था घटना उस दिन? लड़की आया, लड़की हमको हाथ में राखी बांध दिया, बहन लगेगा लड़की, चाचा की बेटी है। तो वो बोला है क्या राखी बांध दिया, तो बोला है सिंदूर डालो, हम सिंदूर नहीं डाले। तो बोला है कि थाना पर चले गया, थाना पर जाके वो केस उस कर दिया, हमको फंसाने का थी मिला। देखिए मामला यह है कि